हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मर्जिंग बुल्स। तो मेरा नाम है प्रशांत और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छह ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में ब्रेकआउट करके हम लोग को एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज़ यूजुअल हम लोग सबसे पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, एंड उसके बाद हम लोग अपने सारे स्टॉक्स देखेंगे। ठीक है, तो निफ्टी के जो लेवल्स है, ये पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियो शेयर किया था उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ये एग्जैक्ट वही लेवल है। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अभी हम लोग इस लेवल पे देखेंगे, अभी हम लोग ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का। अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी ने स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म किया है, जो कि मोर और लेस एक न्यूट्रल कैंडल होती है। ठीक है, बट इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, निफ्टी ने अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड किया है, तो ये एक ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है इसमें। ठीक है, अभी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो आप देखोगे कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी अगर अभी वीक होगा तो कहीं ना कहीं 22,350 के लेवल के नीचे अगर जाएगा तो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वीक हो जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से या मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो जब तक 21,700 के नीचे नहीं जाएगा तब तक निफ्टी साइडवेज टू बुलिश मूव में रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। बहुत शॉर्ट में मैंने समझा, बट आई होप आप लोग को समझा होगा कि अगर अभी निफ्टी या ओवरऑल मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली जो हम लोग अभी जो 5-6 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं तो वो भी डेफिनेटली ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग करते हैं निफ्टी के बाद हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम पर जाके करेंगे। अभी बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हम लोग को इस हफ्ते। ठीक है, अच्छा मोमेंटम मिला है बैंक निफ्टी में। अगर हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का मूव किया है और 2-2.5% बैंक निफ्टी ने मूव किया है, लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का अभी तक उस पर ही इंटैक्ट है। ऑल टाइम हाई के पास ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर भी मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई ही चल रहा है। ठीक है, तो इस मंथ मोस्ट प्रोबली हम लोग को बैंक निफ्टी में शायद एक हम लोग को नया ऑल टाइम हाई मिल सकता है और शायद आने वाले टाइम में हम लोग बैंक निफ्टी को 50,000 के आसपास भी जाता हुआ देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप जाके देखोगे तो बैंक निफ्टी ने 4-5 दिन अच्छा मोमेंटम किया, फिर एक रेड कैंडल के साथ पॉज किया, उसके बाद फ्राइडे को यानी कल के दिन, मैं आज सैटरडे आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो कल के दिन बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास ही क्लोजिंग दिया है। मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग देखे बैंक निफ्टी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे स्टॉक की तरफ। अभी स्टॉक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो भी मैंने स्टॉक्स शेयर किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से किए हैं। इस स्टॉक का कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव और इन स्टॉक्स को दिखाने का मोटिव सिर्फ एक ही है कि स्टॉक्स को एनालाइज करते वक्त मैं क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखता हूँ, कौन से मेरे सेटअप अगर उधर बनेंगे तो मैं ट्रेड लूँगा या पोजीशंस बनाऊँगा, कौन से सेटअप नहीं बनेंगे तो मैं कोई भी पोजीशंस नहीं बनाऊँगा। मैं अभी आप लोगों को एक और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो भी स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनमें से अभी तक मेरी कोई भी पोजीशंस नहीं है इन किसी भी स्टॉक्स में, और जब भी ये जो लेवल डिस्कस कर रहा हूँ ब्रेकआउट होने के बाद शायद कोई स्टॉक्स में मेरी पोजीशंस ना भी हो, क्योंकि अगर मुझे किधर और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं कोई दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन पे आप बाय या सेल नहीं करना, आप खुद का एनालिसिस करना, खुद का रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट करके ही पोजीशंस बनाना इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग के पहले स्टॉक के ऊपर। ठीक है, अभी जो पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। ठीक है, अगर अभी हम लोग इंडसइंड बैंक को देखेंगे तो इसके अंदर खास क्या है। ठीक है, अभी हम लोग को अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो शायद कुछ समझेंगे कि इसमें खास बात क्या है अभी, लेकिन जो अगर इस स्टॉक को अगर आप पहले काफ़ी टाइम से आप फॉलो करते होंगे तो आप लोग को समझा होगा कि ये स्टॉक का नेचर ही ऐसा है। अभी पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर ना इंडसइंड बैंक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये एक इंडसइंड बैंक का एक रेंज है 1600 से लेके 1450 तक। ठीक है, 150-150 पॉइंट का एक रेंज है, इंडसइंड बैंक उसी में ट्रेड कर रहा है। अभी अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो हम लोग को मिनिमम टारगेट हम लोग को जो है ये जो उसका ऑल टाइम हाई है 1694 वो आराम से दिख सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 94 पॉइंट का है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होगा तो डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। अभी मैंने क्यों बताया कि इसका जो नेचर ही वैसा है कि अगर हम लोग पास्ट में भी जाके देखेंगे इंडसइंड बैंक ने जब भी कंसोलिडेशन किया एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अभी मैं आपको इधर बता देता हूँ, जैसे आप देख सकते हो इधर इसने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, इधर देख आप सकते हो ब्रेकआउट दिया और फिर कितना अच्छा मूव दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग और पास्ट में भी जाके देखेंगे तो इंडसइंड बैंक ने पहले भी काफ़ी बारी ऐसे मोमेंटम दिए हैं। ठीक है, जैसे आप इधर देख सकते हो ये जो एक है,
ठीक है, इधर आप देख सकते हो इधर एक कंसोलिडेशन फेज में था और उसके बाद इधर कितना अच्छा मूव मिला, ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज के बाद ये काफ़ी अच्छा एक मूव मिला यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही काफ़ी काफ़ी बारी अगर आप इंडसइंड बैंक को पीछे भी आप जाके देखोगे, पीछे के चार्ट भी आप जाके देखोगे, तो आपको समझेगा इंडसइंड बैंक का यूजुअली नेचर ही ऐसा है, या इनफैक्ट कोई भी स्टॉक या इंडेक्स फॉर दैट मैटर जब भी एक कंसोलिडेशन फेज में रहता है ना और जब उसके बाद ब्रेकआउट हो मिल जाता है तो एक काफ़ी ज़्यादा वो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी हो जाती है, अगर वो मतलब फेक ब्रेकआउट होने के बहुत ही ज़्यादा उसके कम चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए मुझे अभी इंडसइंड बैंक बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल पे लग रहा है, प्रोवाइडेड अगर वो ब्रेकआउट करे तो। अभी फिलहाल हम लोग की एंट्री इसमें एक्टिवेटेड नहीं हुई है, बट जब एक्टिवेट होगी एंट्री तो 50 डे मूविंग एवरेज के लो के नीचे, या जो भी हमारी कैंडल रही, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो उस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम लोग अपना प्लान ट्रेड में इस ट्रेड में हम लोग अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगेन बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं कैसे ट्रेड लेना पसंद करूंगा, ठीक है। अभी इसके अंदर एक और एक अच्छी बात क्या है कि अभी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली कुछ दिन पहले 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया था इंडसइंड बैंक और काफ़ी टाइम तक इधर ट्रेड कर रहा था, बट एक मैं आपको एक प्रो ट्रिप देना चाहूँगा, जब भी अगर 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज अगर फ्लैट हो जाएंगे, अभी आप देखो कि इधर एकदम फ्लैट हो चुके हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो मतलब वो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी आप देखोगे कि दोनों स्क्वीज़ भी हो चुका है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा स्टॉक हम लोग को बन सकता है। अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर, दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है, बट इसका मुझे ये मैं कंसिडर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी अपने जो ब्रेकआउट लेवल है जो कि था 1980 का, ठीक है, और ये अभी 2013 पे चल रहा है, ठीक है, 2013 पे चल रहा है, यानी 20-30 पॉइंट ऊपर है, बट डेफिनेटली इतना ज़्यादा ऊपर नहीं कि हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर ऑब्वियसली अच्छा कर परफॉर्म कर रहा है, एंड ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स भी है, ठीक है। अभी अगर हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम पर भी जाके देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसने रीटेस्ट किया, पहले इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर उसके बाद रीटेस्ट करके और अभी ब्रेकआउट कर दिया, तो ये वीकली लेवल पर भी इसका क्लोजिंग हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पर भी इसका एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये फ्राइडे को अगर मान लो कि ये ब्रेकआउट नहीं होता तो जो वीकली कैंडल है ना वो कहीं ना कहीं ऊपर से वीक बनाती थी और उसका बॉडी नीचे क्लोज हो जाता, तो फिर वीकली टाइम फ्रेम पे वो ब्रेकआउट नहीं होता था, तो इसके लिए फ्राइडे को इसका क्लोजिंग ऊपर देना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं इसको और कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग अपने टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, टारगेट ये जो इसकी डेप्थ है, ठीक है, इस डेप्थ को सीधा हम लोग यहाँ पर से रेंज कैलकुलेट करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग का 2182 का एक टारगेट बन के आ रहा है, ज़्यादा नहीं है, 40-50-60-70 पॉइंट का कुछ टारगेट है, बट डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं इंडसइंड बैंक में टारगेट्स बताना भूल गया, इंडसइंड बैंक के भी टारगेट हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से देख सकते हैं, बट इंडसइंड बैंक में टारगेट अगर हम लोग देखेंगे इसका ये रेंज भी ले सकते हैं जितना फेज में कंसोलिडेशन किया है, इनफैक्ट ये रेंज भी ले सकते हैं जो भी मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट बैठता है, क्योंकि अगेन मैं आपको रिकमेंड तो कर नहीं रहा हूँ, ये जो भी है आपके हिसाब से देख लेना, बट अगर आप देखोगे अगर इसका ये वाला जो रेंज अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आपके सामने ही ऊपर लगाया है और ये जो इसका ऑल टाइम हाई है ये उधर ही उसका रेजिस्टेंस लेवल के पास भी इसका फर्स्ट टारगेट बैठ रहा है जो कि 1695 है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे जो कंसोलिडेशन वाले जो स्टॉक होते हैं इसके अंदर रेंज कैलकुलेशन मेथड से ज़्यादा ही बड़े टारगेट यूजुअली मिल जाते हैं, क्योंकि जितना टाइम वो स्क्वीज होता है उतना एक्यूमुलेशन होता है और उतना अच्छा स्टॉक की ब्रेकआउट जो है वो लंबा चलता है, ठीक है। अभी हम लोग तीसरा स्टॉक देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अभी पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मुझे अभी मैंने एनालिसिस किया उसमें से सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो स्टॉक ये अभी लगा है, ठीक है। डेफिनेटली इसने भी ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट कर रहा है, और अभी उसके बाद ये जो पंजाब नेशनल बैंक जो अपना हाई है रिसेंट हाई उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है जो कि 137 का लेवल है। अभी इसके अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है या इतना खास क्या है, अभी अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करूँ तो एक मिनट, या मुझे शायद वीकली टाइम फ्रेम पर जाना होगा, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आप लोग को जाके बताता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करूँ, आप देख सकते हो इधर पंजाब नेशनल बैंक ने एक एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, ठीक है, एक अच्छा इधर कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, और कप एंड हैंडल पैटर्न का ना खासियत कहते हैं मालूम है कि कभी भी ये जो राउंडिंग बॉटम भी कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग कप एंड हैंडल बोलते हैं, अभी आप देखोगे कि इधर है ना
ये जो एक फेज़ है, ठीक है ठीक है, ये जो एक फेज़ है, इस फेज़ में पंजाब नेशनल बैंक में एक अच्छा सा एक्यूमुलेशन हुआ और अच्छे वॉल्यूम के साथ भी हुआ है। और अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ इसमें भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम है। डेफिनेटली हम लोग के एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा कम है, बट अच्छा ही है वो। मतलब इतना ज़्यादा बुरा नहीं है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम नहीं है, एक नॉर्मल नो वॉल्यूम्स है उसके अंदर। बट ये जो फेज़ में इधर एक अच्छी खासी नो खरीदी हुई है पंजाब नेशनल बैंक में। तो और इसके बाद ये जिन लोग ने यहाँ पर बाई किया, तो ऑब्वियसली लोग एक अच्छा रिटर्न मिल चुका है। और काफ़ी लोग ने शायद इधर वो जो अपने पोजिशन से एग्जिट करेगी, इसके लिए इधर गिरावट है। और उसके बाद अभी नए बायर्स ने एंट्री किया, जो लोग ने इधर स्टॉक मिस किया होगा वो लोग की एंट्री इधर हुई। और ब्रेकआउट भी एक अच्छे कैंडल के साथ हुआ है, तो स्ट्रांग ब्रेकआउट है। साथ ही साथ चार्ट पैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है। अभी जो कप एंड हैंडल पैटर्न का जो खासियत कहते हैं मैं, ये जो रेंज होती है ना, जिस भी रेंज पे जितनी इसकी डेप्थ होती है, उस डेप्थ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपनों का टारगेट बन गया था। मैंने ऑलरेडी इधर कैलकुलेट किया है, तो कहीं ना कहीं इसका टारगेट हम लोग का बन गया है 243, यानी कि और 107 पॉइंट और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ जस्ट टू शो यू गाइस कि ये जो भी कैलकुलेशन किया है वो सही है ये नहीं है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि इसका जो ये रेंज है, ठीक है, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट तक ये रेंज से मैंने वापस इसको इधर लगा दिया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा एक अच्छा टारगेट मिल सकता है हम लोग को, 242-243। अगर उधर भी नहीं, अगर हम लोग का इसका जो पिछला ये जो हाई है, अगर इस हाई तक भी देखें तो 230 के आसपास के लेवल है। ठीक है, मैं मंथली टाइम फ्रेम पर एक बार आप लोग को लेके जाऊँगा। मंथली टाइम फ्रेम पर भी जो हम लोग के जो लेवल बन रहे हैं, ये भी कोई ना कोई एक आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल है, एंड वो भी एक अच्छा टारगेट हम लोग को मिल सकता है। तो मोटा मोटी हम लोग इधर से और 80-100 पॉइंट तो आराम से कैप्चर कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, अभी पंजाब नेशनल बैंक में क्यों इतना ज़्यादा एक ये इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं स्टॉक बन जाता है, क्यों मैं पंजाब नेशनल बैंक को मैंने कहा कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टॉक है, अभी मैं इसके अंदर आप लोग को एक और एक स्टॉक बताता हूँ सेम सेक्टर का, यूनियन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक में आप मानोगे नहीं, मैंने ये स्टॉक मैंने अपने पास रखा था, बट मैंने शायद उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया एंड ये स्टॉक्स में से मेरी रैली मिस हो गई। इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक में मुझे वो मिस नहीं करना है, टू बी ऑनेस्ट। अभी आप देखोगे यूनियन बैंक ने भी यहाँ पर एक अच्छा सा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। ठीक है, ये एक कप और उसका एक हैंडल, और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। और आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से स्टॉक परफॉर्म किया। अभी अगर हम लोग देखो कि जो ब्रेकआउट लेवल था, जो कि उसका 109-110 के आसपास का लेवल था, और अभी ये 160 पे चल रहा है, 49-50% रिटर्न इसने दे ही दिया यूनियन बैंक ने अभी तक। और एक अभी ब्रेकआउट हुआ था समवेयर अराउंड 20th नवंबर 2023, यानी कि पिछले 4 से 5 महीने में 50% हम लोग को रिटर्न इसके अंदर आ गए। और अभी भी इसके अंदर ऑब्वियसली एक जो वो है जो जूस और इसका और अभी भी बचा है, और अभी भी हम लोग और मिल सकता है रिटर्न्स, और भी बाकी अभी तक आए नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि इसका जो डेप्थ है और डेप्थ के हिसाब से अभी तक हम लोग को जो टारगेट मिलने चाहिए थे 198 मिलने चाहिए थे। अभी भी और 30-40 पॉइंट इसके अंदर बचे हुए हैं, बट मेरा सेटअप के हिसाब से अभी जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है वो मुझे अलाउ नहीं करता यूनियन बैंक में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप लोग इसको देखें कप एंड हैंडल पैटर्न के अलावा, अगर ये एक हिसाब में देखा जाए तो एक ये बड़े टाइम फ्रेम पर एक एडवांस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी है। ठीक है, तो जो भी है अभी अब देखिए, चार्ट पैटर्न हो या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो या कप एंड हैंडल पैटर्न हो, हम लोग का मेन गोल तो सिर्फ यही होना चाहिए कि हम लोग को कौन सा अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं, ठीक है, एंड कैसा उन्होंने परफॉर्म किया। तो मैंने आप लोगों को पंजाब नेशनल बैंक भी बता दिया, तो उस पंजाब नेशनल बैंक यूनियन बैंक दोनों सेम PSU बैंक से, और दोनों में सेम सेटअप बना है। बट यूनियन बैंक ऑलरेडी वो ब्रेकआउट दे के ऑलरेडी आधे से ज़्यादा उसने रिटर्न दे दिया जो वो उसके देना चाहिए था। अभी पंजाब नेशनल बैंक उस लेवल पे आ चुका है, अगर ब्रेक करेगा तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, अगर ब्रेक नहीं करेगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग का दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है, अगला स्टॉक है हम लोग का आरती इंडस्ट्रीज़। अभी आरती इंडस्ट्री का भी मैंने ऑलरेडी इधर लेवल कैलकुलेट करके रखा है। अभी आप देखोगे क्योंकि ये मैं ऑब्वियसली अपने लिए भी एनालिसिस करता हूँ, ये मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं करता, इसलिए आप काफ़ी बार देखोगे कि कभी कभी मैं ऑलरेडी अपने टारगेट्स सेट करके रखा हुआ रहता हूँ और फिर मैं वीडियो कर बनाता हूँ। मैं ऑब्वियसली एडिट वेडिट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी देखोगे तो इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पर पहले लेके जाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर थे हम लोग, तो डेली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा
यहाँ सेंटर पे लेके आ जाओ, तो आप देखोगे तो इस पर भी कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। अभी कप एंड हैंडल पैटर्न का सबसे सबसे खास बात क्या होती है मालूम है क्या, जब भी ये स्टॉक ऐसे गिरता है ना, उसके बाद जो लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं एंड उस स्टॉक में अगर एक्चुअली दम होता है, ठीक है, उस स्टॉक में अगर लोगों का इंटरेस्ट होता है, मार्केट का इंटरेस्ट होता है, तो वो ऊपर जाता है डेफिनेटली। फिर जिन लोग ने यहाँ पर जो बॉटम फिशिंग किया होता है, जिन लोग ने बाई किया होता है, वो लोग कहीं ना कहीं इधर उस स्टॉक को बेच देते हैं, अपनी पोजिशन एग्जिट कर लेते हैं। बट जिन लोग ने एंट्री मिस की होती है, वो लोग डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पर आने के बाद स्टॉक्स को बाय करते हैं और वापस ऊपर जाते हैं। एंड हमेशा कभी भी अगर राउंडिंग बॉटम ना, मैं आप लोग को यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ, मान लो यहाँ ये एक रेजिस्टेंस है, अगर राउंडिंग बॉटम या कप ऐसा अगर ब्रेक होगा ना, तो उसके फेल होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। बट अगर वो ऐसा ये रेजिस्टेंस है और अगर ऐसा प्रॉपर कप एंड हैंडल बना है, या फॉर एग्जांपल अगर वो ऐसा ब्रेकआउट करके मतलब अगर रिटेस्ट करके अगर वापस उसका हाई जो ब्रेक करेगा ना, तभी हम लोग को प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उधर ऑलरेडी एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो रिटेस्ट हो चुका है। रिटेस्ट होने के बाद हमेशा ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया था, मेरा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी वाला, वो आप जाके एक बार देख लेना, आप लोग को समझेगा। मैंने उसके अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप वो एक बार जाके रेफर करो, उसके अंदर आपको समझेगा क्यों ये जो रीटेस्ट वाली जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वर्क करती है। अभी इसको मैं बता रहा था, अगर आप देखोगे इसका भी जो मैंने जब इसका क्या बोलते हैं जो डेथ है वो मैंने मेजर किया, और उसके बाद अगर मैं डेप्थ को अगर इसको मैं यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है, जो ब्रेकआउट लेवल पे है, जो कि होगा कहीं ना कहीं 713 पे, अभी भी और 15-17 पॉइंट का फ़र्क है। इसके बाद अगर ब्रेक होगा तो 990 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं। एंड अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये इसका रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो इसलिए एक और भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो टारगेट है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग अपना अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक आप देखोगे गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैंने कम से कम नहीं बोल के 10-12 8-10 वीडियो तो आराम से स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बना दिया, और उसके पहले भी मैं स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी करता था, बट मुझे कभी भी रियलिटी इस सेक्टर में ना, टू बी ऑनेस्ट, मुझे कभी इतना इंटरेस्ट नहीं था। बट अभी मैंने जो दो स्टॉक, मतलब गोदरेज प्रॉपर्टीज और उसके बाद एक और एक स्टॉक है, जो दोनों स्टॉक रियलिटी सेक्टर के हैं, एंड ये लोग ये दोनों स्टॉक ने काफ़ी एक अच्छा सेटअप बनाया है। एंड जैसा कि मैंने पंजाब नेशनल बैंक के लिए कहा, जैसा कि मैंने आरती इंडस्ट्रीज के लिए कहा, इसमें भी कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल पैटर्न ही है, ठीक है। अगेन आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इन सारे स्टॉक्स में सिमिलैरिटी है, तो डेफिनेटली इन चारों में से कोई एक स्टॉक तो मुझे लगता है ब्रेकआउट देगा, एंड जो स्टॉक ब्रेकआउट देगा वो अच्छा रिटर्न भी देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो आप देखोगे कितने लंबे टाइम से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने ब्रेक मतलब इस लेवल के पास आया, लास्ट इस लेवल के पास 2021 में था, अभी ऑलमोस्ट 3 साल बाद इस लेवल पे आया है, जो कि है 2500 के आसपास का लेवल। अगर मैं प्रिसाइसली बताऊँ, चार्ट को जूम करके बताता हूँ, 2543 का लेवल। अभी अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग को डेफिनेटली आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये 4000 के आसपास के जो लेवल है, 4100 इधर तक के लेवल हम लोग को दिखा सकता है। अभी इसके अंदर दो तीन मेजर चीज़ें क्या है पता है, पहली बात तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, ठीक है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे अपना ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, 2 बार उस लेवल को टेस्ट कर चुका है, 3री बार इस लेवल को ब्रेक करने वाला है। सिर्फ इसके अंदर छोटी सी कंसर्न सी बात एक ये है कि अभी अगर हम लोग देखेंगे तो 3 वीक लगातार ग्रीन कैंडल बनाया है। अभी एक हम लोग को स्टॉप लॉस है हम लोग का बहुत बड़ा हो जाता है, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है, तो ये एटलीस्ट मेरा रिस्क मैनेजमेंट मुझे अलाउ नहीं करता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका स्टॉप लॉस 150 से 150 पॉइंट के आसपास हो जाता है। डेफिनेटली 150 पॉइंट के कंपेरिजन में हम लोग को 1400 पॉइंट मिल रहा है, तो 1:10 का ट्रेड मिल रहा है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब 4100 तक जाएगा, तो इसलिए मैं अगर इसके अंदर पोजीशन बनाऊंगा भी तो मैं हमेशा जैसे यूजुअली बनाता हूँ, धीरे धीरे करके 5%, 10%, 5%, 10%, 15% क्वांटिटी के साथ धीरे धीरे एंटर करूंगा, ताकि जब मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये एक्चुअली ब्रेकआउट हो चुका है और ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, तो डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में और इसके अंदर और क्वान्टिटीज़ मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मेरा ये एक स्टॉक पे मेरा नज़र है, ठीक है। और आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा बन रहा है, ठीक है। बाय द वे, मैं आप लोगों को आखिरी जो स्टॉक है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को ये फिर से बता देता हूँ कि मैं ना ही सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मैं स्टॉक आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक
वीडियो में समझाने के तरीके से बता रहा हूँ कि स्टॉक को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, कौन से पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए, कौन से वॉल्यूम्स पे ध्यान देना चाहिए, कब उन स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है, कौन से लेवल्स पे हुआ है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो सब आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मेरे या किसी भी यूट्यूबर के रिकमेंडेशन पे कोई भी स्टॉक बाई या सेल ना करे, क्योंकि इसके अंदर आप ही का नुकसान होगा। क्योंकि हम लोग तो स्टॉक बताकर निकल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बताया तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में ही एंट्री लूँगा, शायद मैं कोई दूसरे स्टॉक में भी लूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिस स्टॉक में मुझे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड या अपना सेटअप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मुझे अलाउ करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आखिरी स्टॉक डिस्कस करते हैं कि जो आखिरी स्टॉक है यह है इंडिया बुल्स। अगेन जैसे कि मैंने कहा था, अगेन रियलिटी सेक्टर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या खास बात है, वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि अगेन ये वीकली टाइम फ्रेम पर ही एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर इस पिछले हफ्ते ही एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इंडिया बुल्स ने एक अच्छा रिटर्न भी दिया है। ठीक है, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इस हफ्ते ही आराम से 22% का मूव मिल चुका है, 20 से 22% का मूव आ चुका है इंडिया बुल्स में। साथ ही साथ हम लोग फिबोनाची भी ज़रा लगा के देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फिबोनाची का कुछ अच्छा लेवल हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट मैंने चेक नहीं किया था, एंड आप देख सकते हो लाइक लिटरली फिबोनाची का 0.6 का लेवल है। ठीक है, जब ये मार्केट गिर रहा था, इंडिया बुल्स जब गिर रहा था, तो जो लोग ने शॉर्ट किया है ऊपर से, वो लोग का सबसे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पहले तो 550% होता है, उसके बाद 61.8% यानी कि 0.618 का जो लेवल होता है वो लगा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट किया, मतलब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा है कि वो इस लेवल को ब्रेक कर सकता है इंडिया बुल्स। ठीक है, अगर इंडिया बुल्स अभी 137 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 139 140 है, ये ब्रेक होगा तो डेफिनेटली हम लोग को 163 और इसका ऑल टाइम हाई जो 190 है वो आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी इसके अंदर भी हम लोग जो ये है हम लोग का रेंज कैलकुलेशन मेथड, उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि टारगेट हम लोग के क्या बन सकते हैं। अभी अगर हम लोग इसको टारगेट यहाँ पर अगर लगा के देख ले, जो हम लोग का ब्रेकआउट है 139 के आसपास का, तो आइडियली इसके हिसाब से हम लोग को टारगेट, जो हम लोग के रेंज कैलकुलेशन चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट है वो 233 के। बट अगर 233 नहीं भी आए इसका, अगर हम लोग को 50% भी मिलता है तो आराम से 195 के आसपास के लेवल्स बनते हैं, जो कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ परसेंटेज टर्म्स में आराम से 30% का गेन हम लोग को मिल सकता है। 30% ऑब्वियसली छोटा अमाउंट तो है नहीं, छोटा परसेंटेज तो है नहीं। तो आई होप आई गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को स्टॉक्स कैसे लगे, इसमें से आपका आपको जो एनालिसिस किया है, जो मैंने आपको ये समझा नहीं समझा, और मैं आप लोग को और कौन से आप वीडियो देखना चाहते हो उसके बारे में बताइए, तो मैं आप लोग के लिए मैं और वीडियोज़ वैसे बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।